Hello everyone, good morning, welcome to our class. Today's class for class 7 stand, subject science. Today we discuss about the chapter number 4 है, animals fiber. यानी कि chapter number जो 3 है, हम complete कर चुके हैं, आपको PDF भी send कर चुके हैं और I hope आपने homework उनका किया होगा. ठीक है, नहीं किया है तो कीजिए होमवर्क और अपने जो स्कूल में है, ठीक है, बाय व्हाट्सएप के जरिए आप उसको सेंड कीजिए. चलो देखते हैं एनिमल फाइबर्स. तो देखो फाइबर्स हम पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं कि फाइबर्स जो होते हैं मैंने भी टू टाइप्स होते हैं. ठीक है, एक तो होता है एनिमल फाइबर्स और एक होता है प्लांट फाइबर्स, है ना. यानी कि फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फैब्रिक. ठीक है, फैब्रिक की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो फाइबर होती है. तो देखते हैं, देखो लॉन्ग अगो यानी कि काफ़ी टाइम पहले जो था ह्यूमन बीइंग यूज्ड लीव्स, पहले पत्तियों को, बार्क्स ऑफ द ट्री एंड द स्किन ऑफ द एनिमल ऑफ द कवर देयर बॉडीज, दे कैन लर्न आर्ट ऑफ द वीविंग एंड स्टार्ट मेकिंग, है ना. पहले पत्तियों को से अपना बॉडी को कवर करते थे या फिर जो पेड़ों की जो छाल से अपने बॉडी को कवर करते थे, धीरे धीरे वो क्या है वीविंग मतलब कपड़े बुनना सीखे. क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, इंसेक्ट्स. ठीक है, क्लॉथ्स जो होते हैं, कपड़े जो होते हैं, हमें हीट और डस्ट इंसेक्ट्स आदि से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. Socks and shoes protect our feet from the germs, cold and heat and cut off the blisters. Our shoes should be fit well and comfortable. We should not wear bad shoes or the bad shoes. यानी कि हमें गीले हम socks वगैरह shoes वगैरह नहीं पहन सकते. तो कहने का मतलब है कि सभी चीज़ें होती हैं किससे बनी होती है, फाइबर से बनी होती है. अब नेक्स्ट पॉइंट अपना क्लाइमेट एंड क्लॉथ्स. तो देखो क्लाइमेट यानी जो कपड़े होते हैं वो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट ही क्या है वियर किए जाते हैं, पहने जाते हैं. जैसे देखो इन समर वी वियर लूज, है ना, यानी लूज कपड़े पहनते हैं और लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, ज़्यादा डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनते हैं. ओके, जैसे कॉटन क्लॉथ से अलाउ टू सर्कुलेट फ्रीली एंड सो द हीट ऑफ द बॉडी इसके, ठीक है, मतलब बॉडी की जो हीट है उनसे बाहर निकले. वाइट कॉटन क्लॉथ से रिफ्लेक्ट हीट एंड कीप द बॉडी कूल. ठीक है, यानी जो समर होता है, समर में हमें वाइट कपड़े पहनने चाहिए बिकॉज वाइट कपड़े जो होते हैं, ठीक है, वह जो सनलाइट होती है उसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं. ठीक है, और जबकि जो ब्लैक होता है वो सनलाइट को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है अपने अंदर. ठीक है, सो ब्लैक कपड़े जो है हमें विंटर में ही पहनने चाहिए. देखो इन विंटर वी वियर थिक डार्क कलर एंड द क्लॉथ मेड ऑफ वूल, यानी वूल मतलब ऊन के कपड़े पहनने चाहिए. रोई है ना, वूल है, फर है, लेदर है, दे प्रिवेंट आवर बॉडी फ्रॉम द हीट ऑफ द एस्केपिंग, मतलब हीट हमारे बॉडी की बाहर ना निकले, इस चीज़ को वो क्या करते हैं कपड़े, वो रोकते हैं, तभी तो हमें सर्दी नहीं लगती. डार्क कलर्ड क्लॉथ्स ऑब्जर्व हीट. ठीक है, ड्यूरिंग द रेन सीजन, अब देखो अकॉर्डिंग टू सीजन पढ़ रहे हैं ना, रेन सीजन में क्या होता है, वी यूजली वियर कॉटन क्लॉथ्स, यानी हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं. वी आल्सो यूज रेनकोट है, अम्ब्रेलाज है, ठीक है, गम बॉट्स मतलब रबड़ के जूते पहनते हैं, एंड टू कीप ड्राई व्हेन द गो आउट इन द रेन. ठीक है, कपड़े के जूते वगैरह तो बरसात में पानी से भीग जाते हैं, सो रबड़ के जूते. ठीक है, और लेदर भी यूज नहीं ले सकते. नेक्स्ट पॉइंट अपना नेचुरल फाइबर्स. तो देखो नेचुरल जो फाइबर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लांट फाइबर और एक एनिमल फाइबर. ठीक है, बाकी के कुछ होते हैं जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, यानी कि मैनमेड फाइबर होते हैं, जिन्हें हम लेबोरेटरीज वगैरह में हम खुद बनाते हैं. ठीक है, तो देखते हैं पहला प्लांट फाइबर. तो देखो प्लांट फाइबर जो होते हैं ना, जैसे कॉटन होता है और जूट होता है, ठीक है, और एक होता है हेम्प. हेम्प मतलब होता है भांग, भांग का पौधा होता है. ठीक है, और दूसरा एक और होता है फ्लैक्स. ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, प्लस ये सभी प्लांट फाइबर्स हैं. अगला है द बेस ऑफ द प्लांट फाइबर्स इज सेलुलोज, विच इज द मटेरियल यूज बाय द नेचर इन द स्ट्रक्चर. यानी प्लांट फाइबर का जो बेस होता है वो सेलुलोज का होता है. ठीक है, और प्लांट फाइबर्स में जो कार्बोहाइड्रेट है वो सेलुलोज पाया जाता है. जैसे हम जो कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं वो स्टार्च वगैरह होता है या फिर ग्लूकोज फॉर्म में होता है. ठीक है, बट ये जो प्लांट्स हैं वो सेलुलोज फॉर्म में होते हैं. एनिमल फाइबर देखो, डीज इंक्लूड्स एनिमल में क्या होगा, वूल होगा. ठीक है, मैन तो वूल ही है, वूल, और एक होता है सिल्क वर्म.
तो बुल कम्स मेनली फ्रॉम फ्लीसिस ऑफ द शिप, वी गेट बुल आल्सो फ्रॉम द गोट है, यॉक है, कैमल है, रैबिट है। सबसे हम क्या पाते हैं, बुल पाते हैं। सिल्क इज प्रोड्यूस बाय द कोकून स्पिनिंग सिल्क वर्म, और सिल्क जो होता है सिल्क वर्म एक कीड़ा होता है उसके द्वारा बनाया जाता है। अब देखो एनिमल फाइबर आर मेड अप द प्रोटीन्स, एनिमल जो फाइबर होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दैट मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी टू ऑल एनिमल द हेयर ऑन द, अब देखो फला जो फर्स्ट है वो है बूल और एक है सिल्क वर्म, ज्यादातर ये दो ही पाए जाते हैं बाकी, ठीक है। तो हम पहले वाला देखते हैं बूल। तो देखो द हेयर ऑफ द बॉडी ऑफ द बूल ईटिंग एनिमल ट्रैप्स ए लॉट ऑफ एयर, ठीक है, यानी काफी जो एयर है उन बालों के अंदर रहती है। एयर स्पेस बिटवीन द बूल फाइबर्स ट्रैप एयर सिंस दिस पूर कंडक्टर ऑफ हीट। देखो मतलब जो इनके गधे बाल होते हैं, गधे बालों के बीच में क्या होती है, एयर भरी रहती है। वो एयर क्या करते हैं, एक तरह से इंसुलेटर का वर्क करते हैं। इंसुलेटर का मतलब उनकी बॉडी का जो हीट है उसको बाहर ना निकले, यानी कि बाहर नहीं निकलने देती। कौन सी, वो एयर जो इन बालों में ट्रैप हो रही है, मतलब इनमें भरी हुई है। तो इसलिए ये क्या है, अपने आप को गर्म महसूस करते हैं, अपने आप को मतलब कंफर्टेबल फील करते हैं। कौन, ये जानवर, ठीक है। सिंस एयर इज पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड दिस शील्ड द बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म, दिस इज, ठीक है, वूलन क्लॉथ्स आर वूलन इन विंटर्स, इसलिए हम कपड़े जो इनके बने हुए पहनते हैं, ठीक है। आगे फ्लीसिस ऑफ द शिप, देखो फ्लीसिस इसके लिए यूज हो रहा है, एयर के लिए। शिप कॉन्स्टिट्यूटेड टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, द कोर्स बियर्ड हेयर, एक तो होती है कोर्स मतलब खुरदरी टाइप की, यानी थोड़ा हार्ड सख्त, ठीक है, सख्त फाइबर होते हैं एक तो, और एक होता है फाइन एंड सॉफ्ट, ठीक है, अच्छे मतलब फाइन और सॉफ्ट वाले बाल होते हैं, ठीक है। द अंडर स्किन प्रोवाइड द फाइबर फ्रॉम मेकिंग वूल, साइंटिस्ट हुज ब्रीड शिप हैव डेवलप्ड वैरायटीज ऑफ शिप दैट ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर सच एज शिप गिव्स नॉट ओनली ब्रीड क्वालिटी ऑफ द वूल। धीरे धीरे क्या हुआ है कि अब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसी काफ़ी वैरायटी बना दी है शिप्स की, जो कि सिर्फ क्या है उनके सॉफ्ट बाल के लिए ही जानी जाती है, फिर हम उनको सॉफ्ट बाल के लिए ही, सॉफ्ट हेयर के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। बट इल्ड पर शिप इज आल्सो हायर, देखो सच शिप गिव नॉट ओनली बेटर क्वालिटी ऑफ वूल बट द एंड पर शिप इज हायर, मतलब हर जो शिप है अच्छी क्वालिटी में वूल दे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। दैट डिपेंड ऑन क्वालिटी कि जो या फिर किस टाइप का भेड़ है, तो हम उस पर डिपेंड होता है कि उसके किस कितने बाल होंगे या कितने हम उससे जो वूल है ऑप्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अदर टाइप ऑफ वूल, जैसे देखो अल्पाका, लामा, कैमल हेयर, यान आर स्पून फ्रॉम द फ्लीसिस ऑफ द एनिमल, यानी शिप के अलावा ये जानवर हो रहे हैं, अल्पाका है, लामा है, कैमल है, ठीक है, इनसे भी हम क्या है वूल लेते हैं। दीज फाइबर्स आर सॉफ्ट एंड वार्म एंड लाइट वेट, यानी ये भी सॉफ्ट होते हैं, गर्म होते हैं, लाइट वेट होते हैं। अब देखो कश्मीरी ऊन होती है, नेक्स्ट पॉइंट है कश्मीरी जन एक्सट्रीमली सॉफ्ट, ठीक है, रेसिलियंट एंड द इजी टू डाई फाइबर, कश्मीरी ऊन होती है वो और भी अच्छी होती है, सॉफ्ट होती है। दिस रेयर एंड द एक्सपेंसिव फाइबर इन द कॉम्बाइंड वन से ईयर फ्रॉम द वैलीज ऑफ द कश्मीर, यानी कश्मीर की जो घाटी है उनमें जो जानवर उनमें वहाँ से जो शिप्स वगैरह होती है उनसे निकाली जाती है और ये साल में एक बार ही निकाली जाती है। एंड अदर गोट वगैरह होती है, कश्मीरी बकरियाँ होती है, ठीक है, विच इज फाउंड ओनली द माउंटेन ऑफ द चाइना एंड तिब्बत, जो कि ये चाइना और तिब्बत का जो माउंटेन है यानी कश्मीरी घाटी है, वैलीज है, वहाँ पर ही पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अंगोरा, विच इज द कॉम्बाइंड फ्रॉम द अंगोरा रैबिट, यानी अंगोरा रैबिट होते हैं इसके हेयर होते हैं ये, इट इज एक्चुअली सॉफ्ट, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, एंड फ्लूपी एंड बार फाइबर एक है, एंड नेक्स्ट मोहेयर स्पून फ्रॉम द फ्लीसिस ऑफ द अंगोरा गोट, ठीक है। मोहर एक अलग चीज़ है, देखो अंगोरा जो गोट होती है, अंगोरा एक प्रजाति का नाम है, स्पीसीज का नाम है, तो अंगोरा जो गोट होती है उसके जो बाल होते हैं उनसे बनाए, उनको स्पून करके मोहरा बनाई जाती है। इट इज एक्सोलेट लाइट वेट, अंगोरा गोट इज ए फाउंड इन द हिली रीजन जैसे जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जो हिली एरियाज होते हैं उनमें ही अंगोरा गोट जो है मिलती है हमें, ठीक है। और देखो मोहर कम्स फ्रॉम द अंगोरा गोट, फाइल अंगोरा कम्स फ्रॉम द अंगोरा रैबिट, यानी अंगोरा बर्ड जो है दो टाइप्स है, एक होती है अंगोरा क्या, एक होती है अंगोरा क्या गोट, इससे तो मिलता है अंगोरा, ठीक है, इससे होता है मोहर, और एक होती है अंगोरा रैबिट जिससे मिलते हैं सॉफ्ट बाल, दो है अंगोरा। याक बोल इस पॉपुलर तिब्बत, और याक कहाँ मिलता है, तिब्बत और लद्दाख में मिलता है, तो वहाँ पे याक की बोल पॉपुलर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं
सिर्फ आर डी एंड मैनली फोर देयर फ्रॉम हेयर टू बूथ, यानी हेयर तो मिल गया हमें, हेयर टू बूथ का जो कॉन्सेप्ट है वो हम किस प्रकार से देखेंगे। तो इसके देखो कुछ पॉइंट्स हैं, हम उनको फॉलो करेंगे। देखो पहला है रियरिंग। रियरिंग का मतलब होता है पालना या पोसना, हम जानवर को पालते हैं पोसते हैं तो उसको बोलते हैं रियरिंग। तो देखो सिर्फ चार रियर मैनली फोर देयर बूल, यानी भेड़ जो पाली जाती है वो सिर्फ बूल के लिए पाली जाती है ना, और मैनली सिर्फ नहीं मैनली, ठीक है, और दे आर मैनली रियर इन द एरिया विद लो रेनफॉल, ठीक है। ये देखो ऊपर पिक्चर दे रखी है अंगोरा रैबिट की, कितने सारे सॉफ्ट वालेस के। इन इंडिया दे आर द मैनली रियर इन हिल्स जम्मू कश्मीर, यानी कि जो हिली एरियाज होते हैं जम्मू कश्मीर वगैरह वहाँ पर इनको पाला जाता है। हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम में, ठीक है। सिप हैव द लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 10 to 12, यानी सिप की जो उम्र होती है वो 10 से 12 साल की होती है। दे ईट ग्रास एंड लीव्स, ये ईट करती हैं। रियर सिप आर आल्सो फीड ऑन ए मिक्सचर ऑफ द पल्सेस कॉर्न ज्वार ऑयल केक मिल्स, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो सिप्स है वो टेक करती है खाने में। इन विंटर्स दे आर कीप्ड इंडोर एंड फीड ऑन द ड्राई पाउडर, एंड विंटर्स में इनको इंडोर में रखा जाता है और ड्राई पाउडर वगैरह जो इनको लीव्स वगैरह जो इनको फीड मतलब फूड के लिए दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना है वो है शेयरिंग, ठीक है। शेयरिंग का मतलब होता है कि इनके जो हेयर्स होते हैं उनको रिमूव करना, ठीक है। तो पहला तो हमने पढ़ लिया है, क्या बताओ रियरिंग, रियरिंग मतलब पालना। अब हम इनके बालों को हटाएंगे रिमूव करेंगे, तो वो वाला स्टेप हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। और तब तक आप इस चैप्टर को जितना थोड़ा पढ़ाया आपने हमने तो उसको अच्छे से रीड करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। टुडेज क्लास फोर, क्लास सेवंथ स्टूडेंट, सब्जेक्ट साइंस। पिछली क्लास में हम चैप्टर नंबर फोर के बारे में स्टार्ट किए थे, और उसके हमने जो एनिमल फाइबर्स हैं वो भी हमने रीड किए थे, और एनिमल फाइबर से हम किस टाइप से वूल निकालते हैं और उसका जो प्रोसेसिंग क्या है वो भी हमने डिस्कस किया था। तो आज हम उसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। तो रियरिंग आपका कंप्लीट हो चुका था, और नेक्स्ट जो आपका जो पॉइंट होता है वो होता है शेयरिंग होता है, वो आपका चल रहा था। तो देखते हैं शेयरिंग क्या होता है। तो देखो जो जो एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी पे जो थिक लेयर होती है बाल की या फिर है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं शेयरिंग बोलते हैं, या फिर उसको क्या करते हैं सेव करते हैं, यानी उसको हटाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं शेयरिंग बोलते हैं। तो देखो द रिमूवल ऑफ द बूल फ्रॉम द सिप कॉल्ड शेयरिंग, इट कैन बी डन मैन्युअली विद द लार्ज रेजर ऑफ द शेयरिंग मशीन। इसको किससे किया जाता है, लार्ज रेजर, ठीक है। जैसे हम शेविंग बनाने के लिए रेजर से शेविंग ही बनाते, तो सेम टाइप से उनका भी शेविंग रेजर से ही किया जाता है। शेयरिंग द यूजली डन बाय द ड्यूरिंग द हॉट सीजन, यानी गर्मियों के दिनों में ज्यादातर शेयरिंग को किया जाता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में हमें ज्यादा बालों की जरूरत नहीं होती है बॉडी पे, है ना। नेक्स्ट प्रोसेस है स्कोरिंग। स्कोरिंग का मतलब होता है एक तरह से सफाई, क्या होता है सफाई, यानी कि जो आपने चलो अपने जो हेयर है वो रिमूव कर लिए, रिमूव करने के बाद में उनको क्या करते हैं हम सॉपी वाटर यानी साबुन के पानी में उनको अच्छे से क्या करते हैं हम धोते हैं, क्योंकि उनमें ग्रीस वगैरह कोई डर्ट वगैरह होती है, ठीक है। तो उनकी सफाई करते हैं, इट हो जाता है स्कोरिंग, उसको स्कोरिंग बोलते हैं। इट इज पास ऑफ द सीरीज ऑफ द रोलर एंड ड्रायर, ठीक है, और रोलर और ड्रायर से रोलर से मतलब गुजारा जाता है और ड्रायर से फिर उसको सुखाया जाता है, ठीक है। तो सफाई हो गई उसकी, उसके बाद में आता है सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग क्या होता है मतलब तो अलग करना, एक तरह से उसको सेपरेट करना, वो होता है सॉर्टिंग, ठीक है। टेक्सचर को जैसे टेक्सचर मतलब कुछ ज़्यादा स्मूथ है, कुछ हार्डनेस है, ऐसे जो बाल होते हैं उनको अलग करना सॉर्टिंग होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है वो होता है रिमूवल वर, ठीक है। वर आर द सॉफ्ट फ्लफी फाइबर्स इन द ऑप्टन अपीयर्स ऑन द स्यूज ऑफ द बियर, दिस आर रिमूव्ड मैन्युअली, यानी जो बर होता है, बर क्या होता है फिलुपिया ने बहुत ही सॉफ्ट बार होते हैं उनको अलग किया जाता है। और नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस आएगा वो है टाइम। टाइम मतलब जो जो बार है या फिर जो आपका जो भी आपका भूल है उसको क्या किया जाएगा कलर किया जाएगा। तो देखो और द नेचुरल हेयर ऑफ द शिप जो वाइट नेचुरल तो वाइट होते हैं, ब्लैक ब्राउन होते हैं, इसका डाइट डिफरेंट कलर, तो अलग अलग कलर्स के हमें फैब्रिक बनाने हैं, अलग अलग कलर्स के हमें यार्ड बनाने हैं, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा ड्राई करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट का प्रोसेस क्या होता है आपका ड्राई होता है, इसको डिफरेंट कलर से ड्राई किया जाता है प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद ड्राई कर लिया, उसके बाद जो प्रोसेस है वो है मेकिंग यार्न,
यानी कि धागे बनाएंगे, फिर धागों से क्या बनाएंगे फैब्रिक। तो देखो मेकिंग यार्न देखो, नेक्स्ट द वूल इज द स्पिन कॉम्बेट एंड द स्मूरेट यार्न, यानी इसको कॉम्बाइन किया जाता है एक साथ में और स्मूथ किया जाता है, मतलब इसको धागा बनाने की प्रोसेस की जाती है। आफ्टर स्पिनिंग द वूल इज द आइदर बॉबिन और नीटिंग, ठीक है, मतलब स्पिन करके इसको बॉबिन किया जाता है, बॉबिन मतलब बुनना या नीटिंग, नीटिंग मतलब बुनाई होती है, ठीक है। और लॉन्गर फाइबर्स आर नीटेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स, यानी जो लंबे फाइबर्स होते हैं उनके जो धागे बनते हैं, ठीक है, वो नीटिंग के लिए बनते हैं, मतलब स्वेटर बनाने के लिए बनते हैं। और जो शॉर्ट होते हैं, ठीक है, वो वूलन क्लॉथ्स वगैरह बनाने के लिए उनको यूज करते हैं, अलग अलग सेपरेट करते हैं ना, ऊपर हमने पढ़ा था शॉर्टिंग में। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ द वूल वेरीज फ्रॉम वन ब्रीड ऑफ द शेप ऑफ द एनदर, मतलब हमारी जो वूल की क्वालिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, वो डिपेंड करती है शेप पर, है ना, शेप की वूल की क्वालिटी पर, है ना। द क्वालिटी इज डिसाइडेड बाय द रेशियो ऑफ द थिकनेस, लेंथ, साइज एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द कलर। नेक्स्ट जो आपका, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। और नीचे जो आपको टेबल दे रखी है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़ना और लर्न करना कि इसमें क्या ब्रीड के नाम दे रखे और क्वालिटी दे रखी है। जैसे लोही, जो लोही लोही नाम की जो शिप्स की क्वालिटी होती है तो उनमें क्या होता है, गुड क्वालिटी वूल होती है। नाली नदो नैली है, ये कार्पेट वूल है, बकरवाल है, पुरबोलन सोल, फिर मारवाड़ी आती है, कोच वूल, वूल मतलब खुरदरी वूल होती है उनकी, है ना। सब पाटनवाड़ी है, तो देखो फॉर द हौजरी, हौजरी के काम में पाटनवाड़ी यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सिल्क के बारे में, ठीक है। सिल्क क्या होता है, तो सिल्क एक तरह से फैब्रिक होता है, एक फैब्रिक होता है जो कि सिल्क फॉर्म यानी कि एनिमल फाइबर में आता है, सिल्क फॉर्म से उसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यानी कि उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। और सिल्क यार्न इज मेड ऑफ द नेचुरल हेयर्स लाइक फिलामेंट्स, सिल्क फॉर्म स्पाइंस एंड द शेल्फ ऑफ फॉर्म इन द कोकून, यानी सिल्क फॉर्म एक कीड़ा होता है ना, वो इसको अपने शेल्फ क्या करता है, प्रोड्यूस करता है और कोकून के फॉर्म में उसको देता है। देखो इट इज द प्राइज्ड फाइबर बिकॉज ऑफ द इट्स नेचुरल लस्टर अपीयरेंस, ठीक है। ये प्राइस मतलब बहुत महंगा फाइबर होता है, जैसे या फिर महंगा फैब्रिक होता है, क्योंकि ये नेचुरली क्या होता है, लस्टर होता है ना, इसको लस्टर लस्टर बनाने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, ओके, बहुत स्मूथ लस्टर होता है, लस्टर में चमकीला चमकदार। सिल्क डज नॉट कंडक्ट हीट एंड द एक्सटर हो जाए गुड इंसुलेटर, यानी कि हीट को कंडक्ट नहीं करता है, हीट को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं जाने जाता है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, गुड कंडक्ट बोलते हैं एक अच्छे से। और सिल्क सॉरी गुड इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है, मतलब हमारे अंदर बॉडी की बाहर नहीं निकलेगी, इंसुलेटर का काम करेगा ये, कीपिंग ए पर्सन वार्म इन द विंटर, यानी कि हम इसको सर्दी में यूज कर सकते हैं और सर्दी में हमारे लिए बेटर होता है, ठीक है। एंड कूल इन द समर, आगे देखो समर में कूल रहेगा और विंटर में क्या रहेगा, गर्म रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोट, एंड जो सिल्क जो कीड़ा होता है या सिल्क मोट होता है उसका लाइफ साइकिल कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं। तो देखो द फीमेल सिल्क मोट लेज एग्स एंड अंडे देती है, और वेन द एग्स हैच जब अंडे स्प्रूट हो जाते हैं देन दी कैटरपिलर क्वार्स आउट, यानी छोटे छोटे कैटरपिलर इनको उनके बच्चे होते हैं उनको बोले कैटरपिलर बोलते हैं, वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। दिस इज द सिल्क फॉर्म ऑफ लार्वा, ये सिल्क लार्वा होता है सिल्क फॉर्म का। द सिल्क फॉर्म फीड्स ऑन द लीव्स और ग्रो, ठीक है, सिल्क फॉर्म क्या करता है, हमेशा लीव्स को क्या करता है, खाता रहता है और ग्रो होता रहता है, ठीक है, शहतूत की जो पत्तियां होती हैं उनको खाता है। तो देखो मलबरी लीव्स बोलते हैं उसको, शहतूत मलबरी लीव्स, ठीक है। तो देखो व्हेन इज इट रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल, जब ये अपनी लाइफ साइकिल के अगली स्टेज में रेडी होता है, इट इज फर्स्ट वेव्स इन नेट, तो सबसे पहले अपने नेट बनाता है, मतलब एक जाल बनता है, ठीक है, और हॉर्न इट सेल्फ, और अपने आप को क्या कर लेता है उसमें बंद कर लेता है, एक तरह से मुँह से एक लार निकलती है इसके, वो लार से क्या है अपने आप में जाल बनता है और अपने चार वो तो खुद को चार तरफ से क्या करता है, होल्ड कर लेता है। देन सीक्रेटरी फाइबर मेड ऑफ द प्रोटीन विच हार्ड हार्ड और एक्सपोज इन द एयर, तो मतलब हवा के संपर्क में वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। This is the fiber, this it covers itself completely with the fiber from a cocoon. फिर धीरे धीरे क्या कर लेता है, वो लास्ट से अपने आप को बिल्कुल कवर कर लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोकून बोलते हैं, फॉर्म कैसे हो जाती है, कोकून फॉर्म बन जाती है। एट दिस स्टेज द लार्वा आर कॉल्ड पुपा, द पुपा ग्रोज द चेंज इन साइड द कोकून, ए फ्यू वीक्स लेटर द कोकून ओपन्स एंड द एडल्ट मोड कम्स आउट, ठीक है, कुछ दिन के बाद जो कोकून से है, ठीक है, वो क्या होता है, ओपन होता है, उसमें से एडल्ट जो मोड्स है वो बाहर निकलता है। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून
ऑफ द सिल्क बॉम, यानी कि फिर सिल्क यान जो है हम कोकून से लेते हैं, जो कोकून होता है ना उसको क्या करते हैं आगे देखो प्रोसेस है तो देखेंगे, उसको उबालते हैं, उबालने के बाद में जो उसका जो मेन जो सिल्क है जो हमारे हमारे लिए यूजफुल है वो निकाल लेंगे और वो अंदर क्या है खत्म हो जाता है, यानी कि वो तो खत्म मर जाता है। नेक्स्ट देखो उसकी डायरेक्ट होता है सेरिकल्चर। अब सेरिकल्चर क्या है, यानी सिल्क प्रोडक्शन का जो जरिया होता है या सिल्क प्रोडक्शन का जो वे होता है उसको क्या बोलते हैं सेरिकल्चर बोलते हैं। तो देखो द ब्रीडिंग एंड द मैनेजमेंट ऑफ द सिल्कवर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्कवर्म नोज एज सेरिकल्चर, यानी कि सेरिकल्चर में सेरिक जो मतलब एक तरह से क्या होता है सेरिकल्चर को हिंदी में बोलते हैं रेशम, ठीक है रेशम पालन बोलते हैं, यानी जो रेशम के कीड़े हैं और सिल्क को रेशम ही बोलते हैं हिंदी में, ठीक है यानी सिल्कवर्म जो है वो ब्रीड किए जाते हैं, नए नए सिल्कवर्म जो है ब्रीड किए जाते हैं, फिर उनको क्या किया जाता है उनकी शेयरिंग की जाती है मतलब उनका पालन पोषण किया जाता है, फिर उनका जो ये प्रोसेस कंप्लीट करना होता है जैसे, ठीक है कहाँ तक ब्रीडिंग से लेके लास्ट, ठीक है फैब्रिक तक का प्रोसेस। चलो तो देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ द सिल्क जैसे मोट है अलग 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 टाइप के सिल्क होते हैं, जैसे मोट है टसम सिल्क होता है, न्यूमा सिल्क होता है, कोसा सिल्क होता है एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोड्यूस इन द कोकून डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सिल्क मोट, द मोस्ट कॉमन सिल्क मोट इज द मलबरी सिल्क मोट, है ना काफ़ी टाइप के सिल्क होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है ठीक है वो है आपका क्या बोलते हैं मलबरी सिल्क। मलबरी सिल्क क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है और मतलब ज़्यादा जगह प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है बाकी के बहुत कम मिलते हैं इसलिए वो ज़्यादा, ठीक है आगे देखो। और ये अच्छी क्वालिटी का भी होता है, एक फीमेल सिल्क मोट ले 100 ऑफ द एग्स ऑफ ए टाइम, मतलब फीमेल जो होती है एक समय में काफ़ी सारे अंडे क्या करती हैं मतलब देती हैं। चलो तो यहाँ से हम जो सेरिकल्चर का जो सेकेंड जो पैराग्राफ है ना ये एक फीमेल सिल्क मोट, ठीक है यहाँ से हम कल मतलब नेक्स्ट जो अपना करना है उसमें देखेंगे, ठीक है और आपको जो फोर्थ चैप्टर यानी कि थर्ड चैप्टर तक आपका कंप्लीट हो चुका है और आपको सूचित किया जाता है कि आपको भाई 20 से आपके कुछ टेस्ट वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं 20 से, तो अच्छे से पढ़ाई करें और इनका होमवर्क कंप्लीट नहीं है वो होमवर्क कंप्लीट कर लें, ठीक है और सबमिट कराएं, ठीक है व्हाट्सएप के जरिए आपको होमवर्क सेंड करना है और आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।